आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखेंगे सम सीरीज। सम मीन्स होता है जोड़ना, सम इफ कंडीशन के आधार पे जोड़ेंगे, सम प्रोडक्ट, सम स्क्वायर, सम एक्स टू एम बाय टू, सम एक्स टू पी बाय टू, सम एक्स एम बाय टू। सबसे पहले हम देख रहे हैं सम। सम मीन्स होता है जोड़ना। हमने लगाया इक्वल साइन, हमने लिखा सम। यहाँ हम नंबर देंगे, आप कितने ही नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन लास्ट संख्या में आप कामा नहीं लगाएंगे और हम ब्रेकेट बंद करेंगे। हम जैसे ही इंटर करते हैं ये आपका टोटल निकल के आ गया। एक तरीका। दूसरा तरीका हम देख रहे हैं सम, और हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया कहाँ से कहाँ तक। ब्रेकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे टोटल करके निकल आया। ये हमारा सम फंक्शन था। अगला है हमारा सम इफ। सम मीन्स होता है जोड़ना, इफ मीन्स होता है यदि। सबसे पहले हमने लगाया सम इफ। हमें इन सबको नहीं जोड़ना, हमें कंडीशन के आधार पे जोड़ना है। हमने दिया रेफरेंस कहाँ से कहाँ तक। इन्वर्टेड कामा में हमने लगाया, हमें 10 से छोटी वाले वैल्यू को जोड़ना है। ब्रेकेट बंद करेंगे और हम इंटर करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसने 10 से छोटी वाली वैल्यू को जोड़ा है, ना कि सबको। यहाँ 9 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 8 को जोड़ा, 6 को जोड़ा। अगर हम किसी वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, मान लो हमने यहाँ पे 10 से 20 वाली वैल्यू को जोड़ा है ना कि सबको। ये हमारा सम इफ फंक्शन था। अगला है हमारा सम प्रोडक्ट फंक्शन। अपन ने देखा जैसे नॉर्मली हम सम कर रहे हैं, सम मीन्स जोड़ना। हमें कंप्यूटर प्लस मैथ्स के मास जोड़ना है। हमने जैसे ही इंटर किया, अब हम इसको पकड़ के ड्रैग कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे सम लगाया और हमने इन सबको जोड़ा। जैसे ही हमने इंटर किया, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ टोटल करके आया। यहाँ आप देख रहे हैं कि 720 आया। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको नोट करते हैं। अगर हम ये सब ना करके हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सम प्रोडक्ट फंक्शन लगाते हैं। अब हमने यहाँ इन दोनों का एड्रेस दिया, ब्रेकेट बंद कर रहे हैं और हम जैसे ही इंटर कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि ये आपको लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ी, आपका डायरेक्ट टोटल आ गया। ये हमारा सम प्रोडक्ट था। अगले पे जा रहे हैं हम, सम स्क्वायर। चेक करते हैं हम, यहाँ हमने इक्वल साइन लगाया, हमने लिखा यहाँ पे सम एस क्यू, ठीक है। हमने दिया यहाँ पे सेल का एड्रेस कामा दूसरी सेल का एड्रेस। हम जैसे ही इंटर कर रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 41 आंसर आया। यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि 41 कैसे आया। यहाँ आप देख रहे हो कि 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना है 16 और 5 का वर्ग है 25। ये अपन जोड़ देंगे, आपका 41 आया। अगला जैसे यहाँ है, 3 का वर्ग कितना हुआ 9 और 8 का वर्ग हुआ 64, कितना हुआ 73। अगला
दो का वर्ग कितना है 4, और 4 का वर्ग कितना है 16। 4 और 16 जोड़ देंगे ये 20 आया। ये हमारा क्या था, सम एस क्यू। अगले पे जा रहे हैं हम, सम एक्स टू एम बाय टू। यहाँ हमने दिया इक्वल साइन, हमने यहाँ पे लिखा सम एक्स टू एम बाय टू। हमने यहाँ पे दिया सेल का एड्रेस, दूसरी सेल का एड्रेस। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 21 निकल के आया। ये कैसे आया, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, और 2 का वर्ग कितना हुआ 4। ये क्या करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सम एक्स टू एम बाय टू, एम का मतलब यहाँ पे माइनस करेगा। आपने देखा कि 25 माइनस 4 बराबर 21 हुआ। एक और एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मान लो हमने यहाँ पे दिया 6 और यहाँ दिया 4, यहाँ देख रहे हैं आप कितना आया 20। कैसे आया, यहाँ अपन करेंगे 6 का वर्ग कितना हुआ 36, और 4 का वर्ग हुआ 16। क्या करेंगे, 36 में से 16 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 20 आया। ये हमारा सम एक्स टू एम बाय टू फंक्शन था। अगला है हमारा सम एक्स टू पी बाय टू। यहाँ हमने दिया सेल का एड्रेस, दूसरी सेल का एड्रेस। हम जैसे ही इंटर कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर आया 29। यहाँ कैसे 29 आया, यहाँ फिर से अपन देखते हैं कि 5 का वर्ग कितना हुआ 25, और 2 का वर्ग कितना हुआ 4। अभी अपन ने देखा था कि यहाँ पे क्या लगा है, देखो P लगा है, तो ये प्लस करेगा। अपन ने अभी पिछला देखा, उसमें क्या था, यहाँ पे M लगा था तो माइनस कर रहा था, और यहाँ पे P लगा है तो इसको प्लस किया। एक और उदाहरण ले रहे हैं अपन, हमने दिया यहाँ पे 5 और यहाँ पे दिया 3, ठीक है, यहाँ पे 34 आया। कैसे 34 आया, माने 5 का वर्ग 25 और 9, 3 का वर्ग 9, इनको अपन टोटल करेंगे कितना हुआ 34। ये हमारा सम एक्स टू पी बाय टू फंक्शन था। अगला फंक्शन है हमारा सम एक्स एम बाय टू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू हैं, हमने यहाँ पे दिया सम एक्स एम बाय टू, और हमने यहाँ पे दिया एरे, पहली वैल्यू ली कामा दूसरी वैल्यू ली, और हम ब्रेकेट बंद कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आया, 50 आया। इसको ड्रैग कर रहे हैं, आगे भी ये बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि ये 50 कैसे आया। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ हमारे पास लिखा है 1, 4, 6, 9, पहली वैल्यू चूंकि होते हैं, ये वाली वैल्यू जाएगी यहाँ और ये वाली वैल्यू जाएगी यहाँ, लास्ट वैल्यू आपकी चूंकि त्यों रहेगी। अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटाया, 6 में से 1 गया 5 आया, 9 में से 4 गए 5 आया। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग किया, 5 का वर्ग 25 और 5 का वर्ग 25, यहाँ टोटल क्या हुआ 50। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला उदाहरण हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा है 4, 6, 8, 12। हमने आपको बताया कि पहली वैल्यू जो पीते हो, ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी, और लास्ट वैल्यू जो की त्यों रहेगी। यहाँ इसमें से इसको घटाया, 8 में से 4 को घटाया कितना बचा 4, और 12 में से 6 को घटाया कितना बचा 6। अब इसका क्या करेंगे, 4 का वर्ग और 3। अब हमने क्या किया, यहाँ 4 का वर्ग कितना हुआ 16, और 6 का वर्ग क्या हुआ 36, इन दोनों को जोड़ा कितना हुआ 52। ये हमारा क्या था, सम एक्स एम बाय टू। इस प्रकार हमने आज सम सीरीज को पूरी तरह से सॉल्व करना सीखा।